Subscribe and press the bell icon for latest update. देश के कई प्रदेशों में चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से मेघालय में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। इस प्रचार की शुरुआत मेघालय के लोक गीतों से शुरू होगी। इसके अलावा राहुल गांधी धार्मिक प्रमुखों और पारंपरिक संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी बैठक करेंगे। राहुल गांधी मंगलवार से दो दिन के मेघालय दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान वो जोवाई में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वहां चुनावी रणनीति तय करेंगे। राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव हैं। मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा और 3 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान किसी जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे। हाल ही में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसके 5 विधायक इस्तीफा देकर एनसीपी में शामिल हो गए। 2 अन्य विधायक बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेट फ्रंट में शामिल हो गए। आपको बता दें कि वर्तमान में यहाँ पिछले 2 बार से कांग्रेस की सरकार है। साल 2013 के चुनाव में यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। उस चुनाव में 13 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने मेघालय की 60 सीटों में से 57 के लिए और त्रिपुरा की 60 में से 55 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। इसमें मेघालय कुल सगमा 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे।